हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं बाजीराम एंड रवि का पावर अप करंट अफेयर से डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैं टेस्ट 4 तक डिस्कस कर लिया, आज मैं फिफ्थ डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन इंडिया इज प्लान्ड टू बी सेटअप इन लद्दाख चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मेक द लद्दाख रीजन एन आइडियल प्लेस फॉर द डार्क स्काई रिजर्व। तो कौन कौन से कंडीशन है कि वहाँ पे इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो बेसिकली पहला है हायर एल्टीट्यूड अबव द सी लेवल, यस वहाँ हाई एल्टीट्यूड है। दूसरा एरिड कंडीशंस, सॉरी एरिड क्लाइमेट कंडीशंस, यस। एंड थर्ड है लो आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन, से पोल्यूशन भी कम है। एंड थर्ड फोर्थ है स्पार्स पॉपुलेशन, यस। तो ये चारों सही है, डी इज द करेक्ट। बेसिकली लद्दाख के हैनले में इसे इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। इसमें लद्दाख का जो है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड है विद रेफरेंस टू द सुमंग लीला थिएटर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है इट इज एन ट्रेडिशनल थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ द सिक्किम, नो या मणिपुर का है, सिक्किम का नहीं है, इन 19th to 20th century का है, ओके। तो ये भी ध्यान रखना। एंड सेकंड है द रोल ऑफ द फीमेल आर्टिस्ट आर प्लेड बाय मेल एक्टर्स एंड वाइस वर्सा, यस। एंड थर्ड है इट इज द परफॉर्म्ड इज एन ओपन कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाय द स्पेक्टेटर स्पेक्टेटर्स, यस, ओके। तो ये इसमें 2 and 3 सही है, बी इज द करेक्ट। एंड दे और कुछ देखते हैं, जैसे फोकस ऑन द इशू ऑफ द मॉरल वैल्यूज पे फोकस है, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे ये फोकस है, एंड बॉन्ड ऑफ द ब्रदरहुड एंड द फ्रेंडशिप एमंग द वेरियस कम्युनिटीज, ये सब इसी इसके थीम है। तो ध्यान रखना ये सब। सुमांग लीला थिएटर ये है मणिपुर से। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP सिस्टम्स, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP सिस्टम। तो ये है इट अलाउज ये नॉन न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑपरेट विदाउट एक्सेस टू एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, ओके। और ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, तो ये ध्यान रखना। बेसिकली P-75 सबमरीन जो है उससे रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखना। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम्स AIP सिस्टम्स ये है, इट अलाउज ये नॉन न्यूक्लियर सबमरीन टू ऑपरेट विदाउट द एक्सेस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ओके, बाय द DRDO। तो सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ क्या है प्लेस ऑफन सीन इन न्यूज एंड लोकेशन सोलोमन आइसलैंड। तो ये बेसिकली मेलिनेशिया के पास लोकेटेड है, एंड ईस्ट ऑफ द पापुआ न्यू गिनी है, साउथ चाइना सी में नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा है कैचल आइलैंड, तो ये अंडमान निकोबार में है के पास है, और ये इंडियन ओशियन में है, यस। एंड कुरील आइसलैंड, तो ये पैसिफिक ओशियन में है, और साउथ अटलांटिक नो, ये पैसिफिक ओशियन में है, जापान एंड रसिया के पास, ओकोस्टक जो सी है वहाँ पे। तो थर्ड आल्सो रॉन्ग। एंड फोर्थ देखते हैं टोंगा आइसलैंड, ये साउथ पैसिफिक ओशियन में, यस। तो इसमें पूछा कितने पेयर करेक्ट हैं, तो 2 पेयर इज करेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ नंबर पे। विद रेफरेंस टू द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो
पहला है इट इज रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नो, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। दूसरा है द मेडिसिन लिस्टेड अंडर NLEM आर सोल्ड बिलो ये प्राइज सीलिंग्स फिक्स्ड बाई द नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइजिंग अथॉरिटी। यस, ये इसको डिसाइड करती है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी। ओके, फर्स्ट टाइम 1996 में ये आया था। एंड थर्ड है ओनली सिंगल डोज मेडिसिन आर कंसिडर्ड फॉर द इंक्लूजन्स इन NLEM। नो, फिक्स्ड डोज कम्बिनेशंस। ओके, ओनली इंक्लूडेड, जो फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन है वही केवल इंक्लूडेड है। तो थर्ड इज रॉन्ग, तो इसलिए ओनली टू इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं सिक्स नंबर पे। सिक्स में द टर्म IR36 एंड IR64 आर समटाइम्स सीन इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो बेसिकली ये हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस का है जो कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल सदर्न इंडिया में इन लोकेशन पे पैदावार होता है, प्रोडक्शन होता है। ओके, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव चेक करते हैं सेवन नंबर पे। रिसेंटली द 44th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियड वाज हेल्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट इज प्लेड इन द स्विस टूर्नामेंट स्टाइल वेयर प्लेयर डू नॉट प्ले अगेंस्ट द एवरी अदर प्लेयर्स। यस, एंड सेकेंड है प्लेयर्स विद द लोवेस्ट नंबर ऑफ द पॉइंट्स आर एलिमिनेटेड आफ्टर द ईच राउंड। नो, एलिमिनेट नहीं होते इसमें, नो प्लेयर एलिमिनेटेड। ओके, तो ये चेन्नई में हेल्ड किया गया था अभी 2022 में, तो ये ध्यान रखना ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं एट नंबर पे। एट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द रैम यानी कि एयर टर्बाइन इन एन एयरक्राफ्ट। राइट, तो बेसिकली ये है इमरजेंसी पावर जनरेशन सिस्टम सो दैट इज यूज इन केस ऑफ पावर फेल्योर। ओके, देन डी इज द करेक्ट। रैम याद रखना, रैम एयर टर्बाइन इन एन एयरक्राफ्ट, रैट्स इसे बोलते हैं, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं नाइन नंबर। नाइन है विद रेफरेंस टू हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द बैटरीज इन स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल्स हैव हायर कैपेसिटी देन द प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स। नो, जो बैटरीज इन स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल्स हैं वो लेस कैपेसिटी रखते हैं देन द प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स। ओके, तो पहला रॉन्ग है। दूसरा है अनलाइक द स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल्स प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल्स यूज ये प्लग इन चार्जिंग पॉइंट टू रिचार्ज द बैटरीज इनसाइड। ओके, एंड थर्ड है ये सेमी हाइब्रिड व्हीकल्स कैन नॉट ऑपरेट इन द फुल इलेक्ट्रिक मोड। यस, तो आंसर हुआ बी, टू एंड थ्री इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर पे। टॉयज हैड ए स्पेशल सिग्निफिकेंस अक्रॉस द डिफरेंट टाइम स्केल इन इंडिया हिस्ट्री। इन दिस रिगार्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है बबल हेड डोल्स मेड ऑफ द टेराकोटा एंड वुड वर फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यस, एंड सेकेंड है फिगराइन डिपिक्टिंग सोल्जर्स हॉर्सेस एंड द एलिफेंट्स वर द प्रिवेलेंट इन मुगल एज। यस, एंड थर्ड इटी कोपक्का वर वुडन लिक्विड टॉयज विद द लैकर टॉयज विद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। यस, तो इसका आंसर वो वन टू एंड थ्री डी इज द करेक्ट। सॉरी, मैंने दिखाना पड़ेगा, ये देखो, तो इसका डी इज द करेक्ट। एंड फिर देखते हैं 11 नंबर को।
11 क्या है? विद रेफरेंस टू द एजुकेशन टेक्नोलॉजी ई टैक इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है ईड टैक, यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ईड टैक रेफर्स टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिजाइंड टू इन्हेंस टीचर लेड लर्निंग इन क्लासरूम। यस। दूसरा है इंडिया ईड टैक कंसोर्टियम्स IEC इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी अंडर द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI। ओके। एंड थर्ड है स्पेसिफिक रेगुलेशंस रूल फॉर द ईड टैग कंपनीज आर मेंशन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नो, ये किसी भी एक्ट में रेगुलेशन नहीं है, स्पेसिफिक रेगुलेशन रूल्स नहीं है, तो थर्ड इज रॉन्ग, इसलिए आंसर हुआ बी 1 एंड 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 12th नंबर पे। 12th है विद रेफरेंस टू एडॉप्शन एक प्रोसेस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट इज गवर्न्ड अंडर हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। यस। एंड सेकंड है सेंट्रल एडॉप्शंस रिसोर्स अथॉरिटी इज ए नोडल एजेंसी फॉर इन कंट्री एंड इन कंट्री एडॉप्शंस। यस। एंड थर्ड है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैव द पावर टू इशू एडॉप्शंस ऑर्डर एंड मॉनिटर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। यस। तो इसमें तीनों सही हैं, बेसिकली टू लॉ हैं, हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हाँ माँ इसको देखती है। ओके। और जो कारा है वो बेसिकली स्टेटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ द वेमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट में मूव करते हैं 13 नंबर पे। 13 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लॉन बॉल गेम। लॉन बॉल गेम है बेसिकली, फर्स्ट है इट इज एन 11 प्लेयर्स टीम स्पोर्ट्स प्लेड व्हाइल टेकिंग टर्न्स रोलिंग द बॉल टूवर्ड्स द टारगेट। नो, देर आर द सिंगल स्पेयर ट्रिपल एंड फोर इवेंट्स इन द लोअर बॉल्स। पहला गलत है। दूसरा है पॉइंट्स आर अवॉर्डेड टू द टीम that is able to bowl more times closer to the target during the each end. Yes. And third, Indian women team won the first gold medal in the lawn ball at the Commonwealth Game 2022. Yes. तो इसका आंसर है बी 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर को। इम वैनेक्स वैक्सीन्स विच is used to protect against the smallpox has been the recently approval for the protection against which of the following diseases? तो C है monkeypox। okay, C is the correct, monkeypox। basically WHO जो है PHEIC public health emergency of international concern जो है इसको मान्यता दी है and EB permission दी है to the इम्वैनेक्स को, EU परमिशन दे दिया मतलब यूरोपियन यूनियन। ओके। तो सी इज द करेक्ट, याद रखना इमोनेक्स वैक्सीन मंकी पॉक्स से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। विद रेफरेंस टू डिपिक्शंस ऑफ द नटराजा ये ब्रॉन्ज आइडोल ऑफ द शिवा इन इंडियन हिस्ट्री कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द डांसिंग ब्रॉन्ज फिगर ऑफ द शिवा एज ए नटराजा वॉज फुल डेवलप्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड। यस। एंड सेकेंड है शिवा इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड विद विच इज डांसिंग पोजिशन इज एसोसिएटेड। यस। एंड थर्ड है नटराजा हैज बीन द सोन द बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन
हिज राइट लेग एंड द सुपर सप्रेसिंग द डिमांड ऑफ द इग्नोरेंस विद द फूट ऑफ द सेम लेग। यस, तो इसमें तीनों सही हैं, वन टू एंड थ्री। जिसमें तीनों ऑप्शन सही हो उसमें हमें तीन, कम से कम तीन स्टेटमेंट तो मिल ही जाते हैं उस क्वेश्चन के लिए, तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा और नॉलेज बटोरने की ज़रूरत नहीं, उस तीन को हमें कमांड करना चाहिए, बाकी हम एलिमिनेट कर लेंगे ओके मैं एग्ज़ाम में। एंड सिक्स है, BCG वैक्सीन विच इज यूज अगेंस्ट द ट्यूबरक्लोसिस TB डिजीज स्टैंड फॉर। तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है BCG का, बैसिले कैलमिटे एंड द ग्वेरिन ओके। और बेसिकली ये जो ट्यूबरक्लोसिस होता है कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, जो कि बैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया यूजुअली अटैक करता है लंग्स पे, तो ये ध्यान रखना। एंड 17 देखते हैं, 17 है विद रेफरेंस टू द टेक्निक टू मैनेज क्रॉप रेजिड्यू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है हैप्पी सीडर इज यूज फॉर द सोइंग क्रॉप इन स्टैंडिंग स्टबल, यस। एंड दूसरा है बलेर इज यूज फॉर लैंड प्रिपरेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप स्टेबल इन द सॉयल। नो, जो बलेर एंड लैंड प्रिपरेशन के लिए रोटावेटर यूज करते हैं, बलेर नहीं, बलेर बेसिकली कलेक्शन ऑफ द स्ट्रॉ के लिए यूज करते हैं, तो सेकेंड इज रॉन्ग। एंड थर्ड है जीरो टिल सीड्स ड्रिल इन यूज फॉर द डायरेक्टली सोइंग ऑफ सीड्स इन द प्रीवियस क्रॉप स्टबल, यस। एंड फोर्थ है पूछ अबाउट डिकम्पोजर इज ए माइक्रोबियल स्प्रे यूज फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप स्टबल IARI। तो इसका आंसर हुआ 1, 3 एंड 4, C इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर पे, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें पूछा टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो सर्विस टैक्स इज नॉट डायरेक्ट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स MAT, यस, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स STFT, यस ABA, एंड फ्रेंज बेनिफिट टैक्स, यस। तो इसमें चारों सही हैं, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द क्राइटेरिया फॉर द इंक्लूजन ऑफ द कम्युनिटीज इन द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। नो, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, बेसिकली इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 342। दूसरा देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव अथॉरिटी टू एड सर्टेन कम्युनिटीज टू लिस्ट ऑफ एसटीज आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नो, मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स फ्रॉम द कंसर्न विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये डिसाइड करेगा ओके। सम न्यू ट्राइब्स एडेड किए गए हैं इन द एसटी लिस्ट, शेड्यूल ट्राइब्स लिस्ट, जैसे कि हट्टी ट्राइब्स एंड द ट्रांस, ये ट्रांसगिरी ट्राइब्स हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में, नारी कोरा वन एंड द कोरी विक्रम विकरण ये हैं तमिलनाडु में, एंड द बिंजिया एंड गोंड ये यूपी में जोड़े गए हैं शेड्यूल ट्राइब्स में, तो ये ध्यान रखना। 19 का डी इज द करेक्ट, नाइदर वन नार टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर एलिमिनेटेड इमिटेड ड्यूरिंग द कोल कंबशन। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यस, पार्टिकुलेट मैटर यस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड यस, मरकरी यस, एंड फ्लाई एस यस। तो इसमें डी सही है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 सभी सही हैं बेसिकली। इसके अलावा हैवी मेटल्स, बॉटम एस, ये सब जो है पोल्यूशन ऐड करते हैं, इमिट करते हैं ड्यूरिंग द कोल कंबशन, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 21, विद रेफरेंस टू द छत्रपति शिवाजी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है ही बिल्ड द सिधु दुर्ग, सिंधु दुर्ग एंड द विजय दुर्ग फोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द कोंकण कोस्ट, यस।
एंड सेकंड है ही कैप्चर द पोर्ट ऑफ द टेल एंड राजापुरी फ्रॉम द पुर्तगीज। नो बेसिकली टेल राजपुरी एंड द घोसले एंड बांडा, तो ये सब कैप्चर किए थे। एंड थर्ड है इंडियन नेवीज न्यू इंसाइन ड्रोन इंस्पिरेशंस फ्रॉम द सील ऑफ द शिवाजी। यस ओके, तो ये जो है बेसिकली कैप्चर जो है ही कैप्चर, सेकंड है ही कैप्चर द पोर्ट्स ऑफ द टेल एंड राजपुरी फ्रॉम द पुर्तगीज। नो यहाँ पे तेल थे, राजपुरी थे एंड घोसले थे एंड बांदा, ये सभी एबनीसियन मुस्लिम्स कॉल्ड द सिद्दी यहाँ पे रहते थे। ओके उनसे लिए थे, तो ध्यान रखना वन एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 22 नंबर पे। 22 है विद रेफरेंस टू द प्राइवेट इक्विटी फंड्स PEF कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है लाइक म्यूचुअल फंड्स द PEF यानी कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स पूल्स मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड मेक्स इन्वेस्टमेंट ऑन देयर बिहाफ। यस। एंड सेकंड है इट इज़ ए क्लोज इंड फंड दैट इज नॉट लिस्टेड ऑन द पब्लिक एक्सचेंज। यस। एंड थर्ड है वेंचर कैपिटल फंड इज टाइप ऑफ PEF। यस। तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट वो करते हैं 23rd नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द एडाइबल कोटिंग टेक्निक। तो पहला है इट इज यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिपिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नो ये बेसिकली यूज टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द फ्रेश एंड मिनरली प्रोड्यूस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ओके। एंड सेकेंड है माइक्रो एल्गी एंड द पॉलीसेक्राइड्स आर यूज टू प्रिपेयर द एडिबल कोटिंग। यस। तो सेकेंड सही है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। इट इज प्रीडोमिनेंटली ए खरीफ क्रॉप। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअली रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। ये डीप क्लेई एंड द लूमी सॉयल इज आइडियली सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। द इट कैन बी ग्रोन बिलो सी लेवल एज वेल एज ऑन हिल टेरेस ऑफ द वैली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप बेस्ट रिफ्लेक्ट द डिस्क्रिप्शंस अबव। तो राइस है बेसिकली जो कि मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एंड बिलो द सी लेवल्स, इसे कहते हैं कुट्टीनाड केरला में, ये बिलो ऑफ द सी लेवल यहाँ पे प्रोडक्शंस होता है राइस का, तो बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 25। 25 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये विमेन कैन बी ग्रांटेड बेल इवन इन केस ऑफ ये नॉन बेलेबल ऑफेंसिव पनिशेबल्स विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यस। एंड सेकेंड है ये विमेन एक्वेनेटेड विद ये केस अंडर द इन्वेस्टिगेशंस कैन नॉट बी कॉल्ड इन द फॉर द क्वेश्चनिंग बाई ये पुलिस ऑफिसर एट ये प्लेस अदर देन वेयर सी रिसाइड्स। यस। तो इसका आंसर हुआ C, 1 एंड 2। इस प्रकार 25 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं 26 टू 50। ओके, थैंक यू।